और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 52,000 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की भर्ती होगी। भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले EWS का प्रावधान न होने की वजह से ही कोर्ट में मामला फंसा हुआ था। अब तस्वीर साफ हो गई है। नियमों के मुताबिक भर्ती कराने को सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत ये भर्ती होगी, शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बेरोजगारों के लिए है और बेरोजगारों को सरकार ने राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार की तरफ से 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। लंबे अरसे से इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे और अटकलें लग रही थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया है और सरकार ने फैसला ले लिया है कि 52,000 पदों को भरा जाएगा। इन 52,000 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत यह भर्ती होगी, शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से अब प्रदेश में हलचल का माहौल है। बेरोजगारों में खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उससे उनकी भी किस्मत चमक जाएगी। तो 52,000 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले EWS का प्रावधान न होने की वजह से ही कोर्ट में यह मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब नियमों के मुताबिक भर्ती कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है और मामले पर तस्वीर एकदम साफ हो गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मामले पर फैसला ले लिया गया है। लंबे अरसे से योगी सरकार पर बेरोजगारों के साथ मजाक करने का आरोप लग रहा था और बेरोजगारों को निशाना बनाने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे बेरोजगारों को राहत मिलती दिखाई दे रही है और जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी अब मौन दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता जैसे ही साफ हुआ तो उसके बाद विरोधी खेमे में सन्नाटा है, लेकिन सरकारी खेमा खुश दिखाई दे रहा है और बेरोजगारों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 52,000 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की भर्ती होगी। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी इस भर्ती में आरक्षण का लाभ देगी। तस्वीर साफ होते ही नियमों के मुताबिक भर्ती कराने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत ये भर्ती होगी, शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने शासनादेश नहीं देखा है वो जाकर देख लें और नियमों कायदों को पढ़ लें कि कैसे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा।